मुजफ्फरपुर के आथर गांव का लाल दीपक ठाकुर आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दीपक के मुरीद तो खुद सुपरस्टार सलमान खान भी हैं। लेकिन दीपक जिस जगह से आई है उस जगह आज तक कोई सड़क भी नहीं बन पाई है। ऐसे में छोटे से गांव से निकलकर दीपक का देश की जनता के दिलों में जगह बनाने का सफर आसान नहीं रहा है। दीपक का जन्म 24 मार्च 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के आथर गांव में हुआ था। दीपक के पिता पंकज ठाकुर किसान और माँ हाउसवाइफ है। उनका एक भाई है जिसका नाम साकेत ठाकुर है और उनकी दो बहनें भी हैं जिनका नाम ज्योति और दीपिका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से दीपक का सफर शुरू हुआ और उन्होंने बिग बॉस 12 तक का रास्ता कैसे तय किया। बचपन से ही दीपक को गाने गाने का शौक था जिसके लिए उन्होंने अपना गाँव छोड़ दिया और शहर में आकर डॉक्टर संजय कुमार संजू के नेतृत्व में संगीत सीखना शुरू किया। दीपक ने पहली बार 5 साल की उम्र में गाना गाया था जिसके बाद से ही उन्होंने गाना गाने का ही फैसला किया। दीपक को गाना गाने का इतना शौक था कि स्टेज पर गाना गाने के लिए घर से अकेले दूर दूर तक चले जाते थे। दीपक की बहन बताती है कि उनके पास किसी का सपोर्ट नहीं था लेकिन उनके भाई के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार स्ट्रगल करते रहे। बहुत तकलीफ होती है, मतलब एक ऐसा ये गांव है जहाँ एक रास्ता नहीं, मतलब कच्ची सड़क आपको पक्की सड़क देखने को नहीं मिलेगा। बहुत तकलीफ़ के साथ कोई अगर एक बाइक वाले भी आते हैं तो वो अगर अनजान लोग आते हैं तो वो समझिए कान पकड़ने टाइप का, जो अब इस गांव में अब कभी नहीं आएंगे उस तरह का, मतलब कोई कोई लोग बोलते हैं। बहुत ख़राब लगता है, मतलब इतना मेरा गांव है तो हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छा है मेरे लिए, लेकिन अगर अभी जैसे बिजली 4 महीने पहले आई है, इतने देश आज़ाद को इतने समय हो गए, वर्षों हो गए, और अब भी 4 महीने पहले बिजली आई है तो बहुत तकलीफ़ होता है देख के, मतलब कि ना रोड ना सड़क, गांव है, सालों साल बाढ़ आ रहा है, नदी में सैकड़ों घर कट रहे हैं और गरीब लोग यहाँ सबसे बड़ी कि लोग घर बसाने में ही लगे रह जाते हैं। सालों साल हर साल बाढ़ आती है, नदी में चला जाता गांव, मतलब घर, और फिर वही नया जिंदगी सब जीने लगते हैं, तो सब इसीलिए बहुत गरीबी है यहाँ पे। दीपक ठाकुर की किस्मत उस समय चमकी जब साल 2011 में गैंग्स ऑफ वासेपुर की संगीतकार स्नेहा खनवलकर नई आवाज की तलाश में बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां दीपक ठाकुर ने स्नेहा खनवलकर को अपनी आवाज सुनाई। स्नेहा खनवलकर दीपक की आवाज से काफी प्रभावित हुई मगर दीपक को लगभग 2 साल बाद उन्होंने फोन कर गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में गाना गाने के लिए कहा। उसके बाद दीपक सपनों को साकार करने के लिए फिल्म की नगरी मुंबई आ गए जहां निर्देशक अनुराग कश्यप से उनकी मुलाकात हुई और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में मूरा गाना गाया। फिल्म का हर किरदार और गाना लोगों के दिमाग में घर कर गया और फिर दीपक की सफलता की नई कहानी शुरू हो गई। इतना खुश हुई जो मैं उसका बखान नहीं कर सकती हूँ। दीपक जब से बिग बॉस में गया मुझे बहुत ही खुशी हुई और मेरे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार और आथर गांव के जितने वासी हैं सभी को बहुत ही खुशी है दीपक को बिग बॉस में जाने से। सभी आदमी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और दीपावली के दिन भी जितने उनका दोस्त वगैरह है सब यहीं पर आया और सब फटाका छोड़ा दीपक के खुशहाली में, मिठाई खाए, सबों ने यहीं मिल के जश्न मनाया। कितनी तकलीफ होती है जब इस गांव के बारे में सोचते हैं आप लोग कि गांव में ना आने जाने का साधन, बिजली का साधन? बहुत ही तकलीफ होती है। हम तो लगता है क्या कि शायद मुजफ्फरपुर जिला में सबसे पिछड़ा हुआ यही देश है और बहुत ही जर्जर है। यहाँ सालों साल बाढ़ आती है और सारा घर, सबों का घर काट करके नदी में बह जाता है और फिर आदमी को बनाना पड़ता है, किसी तरह झंगी झोपड़ी बना के अपना जीवन निर्वाह करता है यहाँ के लोग। तो यहाँ तो बहुत ही स्थिति जो है गांव की बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है। बाढ़ जब आती है तो लोगों को बांध का सहारा लेना पड़ता है। सभी लोग बांध पर करीब 1-1.5-2 माह तक रहते हैं, उसके बाद जब फिर पानी कम जाता है तो फिर लोग अपना अपना घरों को फिर बनाना शुरू कर देते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही दीपक ठाकुर की प्रतिभा और उनके जज्बे को लोगों ने समझा जिसके बाद दीपक की तरक्की के मानो रास्ते खुल गए और साल 2018 में बिग बॉस 12 में दीपक ठाकुर का चयन हुआ, जिसके बाद से ही दीपक बिग बॉस 12 में लगातार बने हुए हैं
दीपक के इस कामयाबी को लेकर उनके गांव और परिवार के लोगों में काफी उत्साह है। वहीं दीपक के पिता पंकज कहते हैं कि दीपक बचपन से ही गाना गाने के लिए दीवाना था। दीपक बिग बॉस में गया है, हम तो हमारा तो वह लड़का है, बेटा है। अब हम खुशी को तो बयां नहीं कर सकते हैं, शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में उसको मिला है। ये तो शब्दों में बयां करने की बात नहीं है। और एक छोटा सा गांव से, छोटा सा परिवार से, छोटा सा पगडंडी से, और यह पीपल के छांव से वह निकल करके और आज मुंबई में सलमान खान के साथ उसका बिग बॉस सुपर सीजन 12 में वह सिलेक्टेड हुआ है। और सलमान जी का आशीर्वाद ज़रूर उसको मिलता है, हम देख रहे हैं शो में, यह बड़ी बात है। उसके पास माँ भारती का संस्कार है, जो संस्कार होना चाहिए वह माँ भारती का संस्कार मिला हुआ है। और बिहार का लाल है, मुजफ्फरपुर का बेटा है, और आथर उसका घर है, यही घर उसका हुआ। यहाँ उसके चलने के लिए पगडंडी नहीं है, रास्ता नहीं, चारों बगल से नदी से यह घिरा हुआ बस्ती है। यहाँ एक महीना पहले यहाँ बिजली आया है, तमाम गरीब लोग हैं यहाँ। लेकिन दुआ सभी का, दीपक जब कभी भी यहाँ आता था तो किसी न किसी के लिए कपड़ा, किसी न किसी के गांव से, शहर से ही, कहीं किसी से मांग करके, वो अपना खरीद करके नहीं, उसके पास तो था नहीं, लेकिन किसी से मांग करके और ला करके यहाँ ज़रूर जो है से वह करता था। दहाड़ आया था तो शहर से अपना दोस्त महिम से बिस्कुट, दवा, पानी, कपड़ा लेकर के यहाँ जो है से पूरा गांव को वर्ष 17 में वह जो है से 4 दिन 5 दिन कैंप करके यहाँ जो है से राहत वितरण का काम किया है। दीपक बहुत ही अच्छा लोग लड़का है। दीपक की राह इतनी आसान नहीं थी कि वो अपने आप को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर पाए, लेकिन दीपक ने लगातार मेहनत की और अपने सपनों को हासिल किया। बिग बॉस 12 में आने के बाद से ही दीपक की कामयाबी में मानो पंख लग गए। दीपक ने पहली बार अपना एल्बम लोन लेकर निकाला था। उस दौर से गुजरकर आज दीपक जिस मुकाम पर खड़े हैं, वो दीपक की मेहनत का ही फल है। बेहद ही सामान्य परिवार से होने के बाद भी दीपक ने हिंदी सिनेमा जगत में कामयाबी हासिल की है और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।